नमस्कार, मैं विमलेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको हैप्पी खाना खजाना में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मखाना पापड़ी चाट आप अपने घर पे कैसे बनाएं। ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। इसके लिए मुझे चाहिए होता है मखाना, जो कि मैंने एक छोटा बोल लिया है, लगभग 10 ग्राम है। फिर मैंने लिए है 50 ग्राम ये पापड़ी। फिर हम उसके बाद लिए है दही लिया है, लेमन ली है मैंने 2 बेजेज, थोड़ी सी कोरिएंडर चॉप है। इसके लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मुझे चाहिए थी सौंठ चटनी, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, या आपके पास सौंठ चटनी अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिली चॉप, मिंट चटनी चाहिए, आप अपने घर पे धनिया और पुदीने के साथ चटनी बना सकते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चाहिए मुझे लाल मिर्च, और मुझे चाहिए थोड़ी सी चाट मसाला चाहिए, अनियन चॉप चाहिए, टमाटो चॉप चाहिए, और गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे बीटरूट लिया है। आप यहाँ पे अनार भी यूज कर सकते हैं गार्निश के लिए। तो चलिए दोस्तों हमें स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं अपना पैन गर्म कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया पैन, मेरा इंडक्शन ऑन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ घी, और इसमें हम डालेंगे, मेरा घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मखाना। इसमें हम मखाने डालेंगे, मखाने को हम इस तरीके से टॉस कर लेंगे। और इसके लिए सबसे बेहद जरूरी, मैं सॉल्ट लेना भूल गया था, तो इसके लिए सॉल्ट तो सबसे ज्यादा ही जरूरी है। तेरा मेरे पास सॉल्ट, अब ये मेरा जो मखाना है धीरे धीरे भून करके रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगा मैं, हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए इस पे। ये मेरा मखाना भून करके रेडी हो गया है। हम इसको कर देंगे बंद। अब मुझे इसके लिए चाहिए एक बड़ी सी बॉल, जो मैंने पहले से ले रखा है। ये रहा मेरे पास बॉल, अब हम इसमें डालेंगे मखाने, और हम इसमें डालेंगे पापड़ी क्रश करके बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से पापड़ी को मैंने क्रश करके इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, थोड़ी सी दही डालूंगा मैं इसमें। फिर डालूंगा इसमें थोड़ा सा सौंठ चटनी, और हम इसको अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी यूज करूंगा, 1 पिंच ऑफ चाट मसाला। इसको इस तरीके से मिला ले। आप इस तरीके से इसको मिला लें अच्छी तरीके से। अब मुझे चाहिए इसके लिए प्लेटिंग, मुझे इस तरीके से प्लेट चाहिए। आपके पास कोई भी प्लेट आप यूज कर सकते हो, फिलहाल मेरे पास ये प्लेट है, पर हम इसे यूज कर रहे हैं अपने प्लेटिंग के लिए। अब इसका हम एक बेस बनाते हैं। आप इस तरीके से इसका एक बेस बना लें। ये मेरा बेस बन करके रेडी हो गया है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली,
थोड़ी सी ग्रीन चिली चॉप डालेंगे। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी भी यूज कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा मिर्ची डाल करके। मैं यहाँ पे डालूंगा ग्रीन चिली चॉप, थोड़ी सी अनियन चॉप। मैंने अनियन पहले इसलिए नहीं मिलाया था कि अनियन पानी छोड़ता है तो सौगी हो सकती है आपकी चाट। फिर इसमें डालूंगा थोड़ी सी टमाटो चॉप, हम इस तरीके से डाल लेंगे। फिर डालेंगे इस पे ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी इस तरीके से आप डाल लें। ये मैंने इस पे ग्रीन चटनी डाल दिया है। अब मैं इस पे डालूंगा थोड़ा सा लाल चटनी, इस तरीके से इसपे सौंठ चटनी डाल ले। फिर उसके बाद हम इसपे डालेंगे थोड़ी सी दही, इस तरीके से आप दही डालें इसपे। और लास्ट में आप इसपे थोड़ी सी लेमन जूस, लेमन जूस डालें, थोड़ा सा चाट मसाला और गार्निश के लिए हल्की सी धनिया, कोरिएंडर चॉप डाल सकते हैं आप, इस तरीके से डाल दिया इसमें। और ऊपर से मैं बीटरूट यूज कर रहा हूँ गार्निश के लिए। आप चाहे तो और कुछ भी डाल सकते हैं फ्रूट, मेरे पास फिलहाल ये मिंट फ्रेश है तो मैं इसको इस तरीके से कट करके बीच में यूज कर रहा हूँ। देखिए मेरा नाइस एंड वेरी टेस्टी, न्यूट्रिशन से भरपूर। हम इस तरीके से ये मेरा मसाला पापड़ी चाट, जिसको हम मखाना के साथ रेडी किया है, आप अपने घर पे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। अगर आपको ये चाट अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो ले करके आगे रहेंगे। तब तक के लिए बाय।